अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मोती दरवाजे की एक दीवार गिरने से अफरा तफरी का माहौल पाया गया। गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कल रात की बारिश की वजह से ये दीवार गिरने से कई जानवर इसका शिकार बने और इसमें मौत उनकी हो गई। मुकामी अवाम ने अपनी नाराजगी का इजहार किया और क्राइम टुडे के जरिए JHMC और मुकामी जिम्मेदारों पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐसे ही हाल रहा तो आगे चल के ये बड़ी दीवार भी गिर सकती है। अलीम साबिर के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। दरवाजे के पास में तीन कमाना के साथ 2:30 बजे रात 2:20 को एग्जैक्टली पूरा छत गिर गया दरवाजे के पास के तीन कमानों का। अच्छा, कुछ जानी नुकसान कुछ हुआ? नुकसान जैसे कि गाड़ी वालों का हुआ और जैसे कि भैंस मर गई, रेस्क्यू करके हम लोग पूरे तकरीबन नौ बैलान थे, नौ गाय थे हम लोग, आप पूरे करके बारिश की वजह से अंदर ठहरे रहे थे, छत गिर के बाद में हम लोग आप पूरे मिल गए, नौ गायों को निकाले, एक गाय अंदर फंस गई मलबे के अंदर, पूरा दब गई। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट आके सुबह रात में हम लोग कंप्लेंट भी करे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, रात में कोई भी आके इसके ऊपर एक्शन भी नहीं लिए और सुबह 11-12 बजे आके सिर्फ ठहर के तमाशे देखे, पूरा रात में एक एक करके पूरा इंटा ये वो दिखने के स्कूल के बच्चे जाते हैं, कोई एक्शन लिया नहीं इसके ऊपर। और हम हुकूमत से ये चाह रहे हैं अहमदाबाद जल्द से जल्द इसका कार्रवाई हो, दूसरे भी जैसे कि हीरा खानी की कमान में भी पानी आ रहा है, उसका भी रिपेयरिंग का करो, पूरा लैंड ग्रैबर और पूरे लोग यहाँ पे कमान गिरने आई है, हीरा खानी जमीन पूरी जमीन खुली है, इस वजह से हम लोग बोले जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और इसको जैसा था वैसा बना।